नमस्कार, मैं स्नेहलता और एबीपी गंगा की टीम आ पहुंची है देवों की भूमि कहे जाने वाले देवराहा बाबा देवरही माता के नाम से जिसका नाम पड़ा है देवरिया, और देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र है ये। अब लोगों ने मूड बनाना शुरू कर दिया है, क्या मुद्दे क्या होंगे, सोच क्या रहे हैं, चलिए हम पता लगाते हैं। मूड तो इस बार तो सपा का है। जी, वजह तो मतलब जो भी है, सपा काम की है, भाजपा तो काम की है। हम लोग गरीबों के लिए आवास दी है, शौचालय दी है, सिलेंडर दी है, लेकिन नहीं, ये सब मूड अभी बना है सपा के लिए। भाजपा हमको मदद करती है, भाजपा को देंगे तो किसको देंगे, कहने दीजिए, भाजपा जीतेगी। काम काज तो ठीक ही चल रहा है, लोग बाग तो यही कह रहे हैं कि काम ठीक चल रहा है, हो सकता है योगी जी फिर दोबारा सत्ता में आए। मनौती तो यही है कि श्री राम का मंदिर खूब भव्य बने, और क्या। 2022 में कौन सरकार बना रहे? सरकार योगी जी की बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, समझ तो योगी जी मतलब हमारी सरकार। और तो मोदी सरकार तो बढ़िया कार कोई ले बना, गलत तो कोई ले नहीं। तो 2022 में वही फिर योगी जी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। अब वजह जो देखते हैं, हम हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा जाता है, जो राम मंदिर का मुद्दा था वो मुद्दा सॉल्व हो गया, जनता को यही चाहिए था ना, इसी पे ना बार बार चुनाव लड़ा जाता था। अब विकास में देखा जाए तो सब सरकार वही करती है, अपनी बातें सब लोग कहते हैं और फिर अपनी मनमानी करती है, तो बीजेपी से संतुष्ट है जनता। सही बताओ, 2022 में चुनाव के जीती जीती वही जीत का क्या हुई, जीत का क्या हुई, कुछ ना हो, कुछ नहीं भाई, हमने का कुछ नहीं, कुछ नहीं की जान होता वही है। रोज आवता लो वोट वाले वक्त क्या होता, लोग ना आई लोग के जाने। पहले तो ये खड़ंजा इतना इतना गड्ढा था, अच्छा। यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से गांव तक हुआ है, पक्का मैंने खड़ंजा, हाँ पक्का खड़ंजा, हाँ ये भाजपा ही का देन है कि हुआ है। तो पहले से बहुत सुधार है, बट सड़क भी अभी देख ही रही हैं आप कैसा है, लाइट भी आए हैं तो लाइट भी मतलब रह रही है, पर ज़्यादा नहीं रह रही, हमेशा जा रही है लाइट। पानी का तो ठीक है, पानी तो है अपने जगह पे। सड़क तो पहले से बहुत अच्छा है, हो गया पहले से बहुत अच्छा है। तो क्या लगता है, योगी सरकार रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? नहीं, रहनी चाहिए योगी सरकार। अभी तो अकेले लग रहा है, महंगाई की वजह है, रोजगारी बेरोजगारी है उसका वजह है। अरे बदलना है, सरकार को बदलना है, हाँ हो जाएगा। अखिलेश यादव, जो पेट्रोल 2007 वगैरह में 44 रुपया था, आज 100 रुपया करीब पहुंच गया है। महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब गरीब के पास क्या होता है, दाल खाना होता है, दाल भी इतना महंगा, राशन अब 20 रुपया का राशन दे के अगर मान लीजिए 500 अगर एक आदमी से ले लिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? सरकार बदलेगी, नहीं देवरिया के लिए सरकार चल रही है तो ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर आकांक्षाएं अधिक हो जाती हैं सरकार से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सरकार ही कर दे, तो ऐसा सरकार कोई नहीं कर सकती है। पिछली सरकारें भी ऐसा नहीं है कि सबको रोजगार दे दी और सबके लिए घर बना के दे दी, वो प्रक्रिया है, चलती रहती है और नाराजगी लगी रहती है। देवरिया की सदर विधानसभा सीट को आप देखते हैं तो यहां से 5 बार बीजेपी को मौका मिला है, 3 बार कांग्रेस को, सपा को 1 बार और बसपा का खाता नहीं खुला है। अगर आइए पिछले चुनावों की बात करें तो 2012 और 17 में जनमेजय सिंह जीतते हैं, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद फिर से चुनाव होता है, यानी कि उपचुनाव होता है और यहाँ पर काबिज होते हैं बीजेपी के ही कैंडिडेट। तो कुल मिला के यहाँ की राजनीति कुछ ऐसी है। मुद्दों की बात करें तो चीनी का कटोरा कहा जाता था, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन अच्छा खासा देखने को मिलता है इस सीट से। अब आने वाले वक्त में लोग क्या सोच रहे हैं, मूड क्या कहता है, जानने की कोशिश में हम। भाजपा वजह मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है, जैसे गुंडाराज से मुक्ति, विकास, सड़कें, ये स्वास्थ्य,
शिक्षा। देवरिया में मूड तो मतलब ये सरकार तो यही आएगी, लेकिन देवरिया का मूड इस बार चेंज होगा। वहाँ सपा आएगी, वजह वहाँ सपा का कोई भी कैंडिडेट इस बार मजबूत आएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहाँ विधायक हुए कोई काम नहीं किए। देवरिया में काम हुआ, विकास हुआ है, काम हुआ है हमारे देवरिया में। इसके पहले जैसे मान लीजिए कॉलेज बना है, हॉस्पिटल सुधार हुआ है, रोड भी बनी है और देवरिया के अंदर और किसे जो भी कचरा उचरा था, रोड दिक्कत थी, टूटी फूटी सी, उसमें सब काम हुआ है। अखिलेश के बनावल जाए और कहेंगे उनके मैंने ठीके कैले बनन थोड़ा बहुत। हाँ साधन कुली निकलने बनन, ठीके निकलने बनन गरीब खाती आ रोजगार दिले रहन। देवरिया में कुछ काम धाम हुआ है? क्या काम धाम हुआ है, हम तो नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं मेडिकल कॉलेज आ गया? हाँ मेडिकल कॉलेज आया है, सड़क उड़क की बात कर रहे हैं। हाँ ये तो आया है, मेडिकल कॉलेज बना है, सड़क आया है, दूसरा क्या है। अच्छा तो कमी कहाँ रह गई? हम मजदूर ऐसे भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है। ना कोई चीज का रोजी रोटी मिल रहा है, ना काम धाम मिल रहा है, तो क्या किया जाएगा। देवरिया वाले मूड क्या बना रहे हैं भैया? हम बीजेपी वाले हैं, भाजपा की सरकार देंगे। काम हुआ ही है, जैसे रोड बना है, बीजेपी हिंदू की सरकार है उसी के पक्ष में। हिंदुत्व की वजह से देते हैं? हाँ हिंदू को देते हैं। खबर ठीक चल रही है सर? जी सर। सरकार की खबर क्या है? अच्छी है। 2022 में कौन है? वही है, योगी है जी। किसकी लहर चल रही है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी, उनकी पसंद है जो हमारी पसंद है वो बता रहे हैं। अखिलेश यादव अखिलेश यादव समय में जो हुआ था ठीक हुआ था, उन्हीं समय में काम था। हाँ मान ले नौजवानों को तो दिख रहे करते हैं, वही करते हैं। मिली जुली सरकार, हाँ हाँ इस बार वो ऐसा ही आज जो बने, मन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं है। इतने सभा घूमने के बाद आप मिले जो कह रहे हैं मिली जुली सरकार बनेगी? हाँ वैसा ही उम्मीद है।